जियो सिनेमा के साथ मुफ्त में आईपीएल का मजा ले रहे यूजर्स के लिए झटके की खबर है। झटका इसलिए क्योंकि जियो ने अपने जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म के लिए चार्ज करने का ऐलान किया है। अब ये फ्री नहीं रहेगा, अब इस ऐप को चलाने वालों को चार्ज देना होगा। क्या है ये पूरी खबर बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। जियो सिनेमा के लिए चार्ज का ऐलान तो किया गया है, लेकिन कितना होगा इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में इसकी कीमत बताई गई है, लेकिन वो फिलहाल कंफर्म नहीं है। लेकिन कंपनी ने कंफर्म किया है कि जियो सिनेमा रिचार्ज को इस साल आईपीएल सीजन से पहले ही रोल आउट कर दिया जाएगा। जियो सिनेमा एक ऐप बेस्ड डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है। इस ऐप पर फ्री में यूजर्स टीवी चैनल्स का लुत्फ उठाते हैं। इस बार जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों दर्शक इससे जुड़े। अब इसी का फायदा उठाते हुए कंपनी यूजर से चार्ज लेने की तैयारी कर रही है। पेड प्लान ऑफर करने की जियो की प्लानिंग अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ कंपटीशन करने की एक कोशिश है, जिसमें 100 से ज्यादा नई फिल्में और वेब सीरीज शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट को एक्सपैंड करने और कंपटीशन करने के लिए अपने कंटेंट में 100 से ज़्यादा फिल्मों और टीवी सीरीज को ऐड करने की प्लानिंग कर रहा है। इस प्लान को हर यूज़र ले पाए इसके लिए प्लेटफॉर्म अपने जियो टैरिफ को यूजर्स के हिसाब से बनाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स देखी जाए तो बताया जा रहा है कि जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म डेली, गोल्ड और प्लैटिनम प्लान वाले सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ पेश हो सकता है। 29 रुपए वाला डेली प्लान हो सकता है। ये प्लान एक दिन की वैलिडिटी वाला प्लान हो सकता है और इसकी संभावित कीमत 29 रुपए हो सकती है। यूजर्स को इस प्लान के साथ एक साथ दो डिवाइस पर कंटेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा प्लान 3 महीने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड प्लान हो सकता है, जिसकी कीमत 299 से 300 रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि शुरुआत में इसकी कीमत 99 रुपए हो सकती है। इस प्लान को सिलेक्ट करते समय यूजर्स दो डिवाइस पर कंटेंट को स्ट्रीम कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरा प्लान है 599 रुपए वाला प्लैटिनम प्लान। इसमें से 599 में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसकी ओवरऑल संभावित कीमत 1199 रुपए तक हो सकती है। ये प्लान एक साल के लिए प्रीमियम होगा, जिसमें आप हर तरह के कंटेंट को एड फ्री देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि कंपनी इस प्लेटफॉर्म को जियो वूट के नाम से रीब्रांड कर सकती है। वूट Viacom18 का ही एक OTT प्लेटफॉर्म है। चर्चा है कि IPL के इस सीजन के बाद रिलायंस जियो सिनेमा और वूट को एक साथ मर्ज कर सकती है। इसकी चर्चा ओनली टेक पर एक कम्युनिटी पोस्ट के बाद शुरू हुई। इस पोस्ट में जियो वूट के सब्सक्रिप्शन प्लान की भी जानकारी दी गई है। जियो अपने OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा को पिछले कुछ वक्त से लगातार प्रमोट कर रहा है। कंपनी ने इस पर फीफा वर्ल्ड कप को फ्री टेलीकास्ट किया। ये सर्विस सिर्फ जियो यूजर्स के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए फिलहाल फ्री है। इस पर IPL 2023 सीजन का भी फ्री टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है ये सर्विस ज़्यादा दिनों तक फ्री नहीं रहेगी। हाल में ही रिलायंस की मीडिया और कंटेंट बिजनेस प्रेसिडेंट ज्योति देशपांडे ने एक इंटरव्यू में इसका हिंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही नए बदलाव होंगे और जियो सिनेमा में नए कॉन्टेंट देखने को मिलेंगे। ऐसा लगता है कि रीब्रांडिंग इसका ही एक हिस्सा होगा। इसके अलावा कंपनी IPL 2023 के बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पर स्विच कर सकती है। कंपनी फाइनल प्रोसेसिंग पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के माने तो जियो वूट का सब्सक्रिप्शन 99 रुपए से शुरू हो सकता है। हाल में ही जियो स्टूडियो ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की स्लेट अनाउंस की थी। इस स्लेट के मुताबिक जियो स्टूडियो ब्रांड 100 ओरिजिनल प्रोडक्शन लेकर आ रहा है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।